इवन नंबर्स पूरा गिवन रेंज 1 to 100 मीन्स 1 और 100 के बिटवीन में जितने भी इवन नंबर्स अवेलेबल हैं सारे के सारे इवन नंबर डिस्प्ले कराना है। फर्स्ट वन यहाँ वन से काउंट कर रहा हूँ, वन मीन्स टोटल अगर 1 और 100 के बिटवीन में टोटल काउंटिंग नंबर्स की रिस्पेक्ट में बात करें, टोटल काउंटिंग नंबर्स के यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 up to 100 99 और समथिंग 100। इस रेंज के अंदर मैंने सारे के सारे काउंटिंग नंबर स्टार्ट डाउन किए। इस काउंटिंग नंबर में अगर आप इवन नंबर को सिलेक्ट करो, इवन नंबर्स के केसेस में ड्यूरिंग कंडीशनल स्टेटमेंट और ड्यूरिंग इफ एक्शन किया था, इवन नंबर्स किसको बोले, अगर कोई भी नंबर 2 का मल्टीपल है, इफ एनी नंबर डिविजिबल बाई 2, और 2 से डिवाइड करने पर किसी भी नंबर का रिमाइंडर अगर 0 प्रोड्यूस होता था, नंबर कैसा हुआ, इवन। सेम एज ऑड नंबर्स, एनी नंबर डिविजिबल बाई 2 या 2 से सॉरी नॉट डिविजिबल बाई 2, 2 से डिवाइड करने पर अगर इसका रिमाइंडर 1 के इक्विवेलेंट है, देन नंबर का टाइप क्या है, ऑलवेज ऑड नंबर्स। दीज आर द फैक्टर्स रिलेटेड टू इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। इन दैट केस इवन नंबर्स मीन्स 2 से डिवाइड करना पॉसिबल, इसलिए 2 का भी टाइप क्या है, इवन। 4 का टाइप क्या है, इवन। सेम एज 6 का भी टाइप क्या है, इवन नंबर। 8 का भी टाइप क्या है, इवन। 10, 12 एंड अप टू 100 इटसेल्फ कैसा है, इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स की बात कर नीचे के मीन्स 1 क्या है, 1 इज अ ऑड नंबर, 3 इज अ ऑड नंबर, 5 इज अ ऑड नंबर्स, 7 इज अ ऑड नंबर, 9 इज अ ऑड नंबर। मीन्स इवन और ऑड नंबर हमेशा अल्टरनेट नंबर्स के फॉर्म में होंगे, आइदर मल्टीपल ऑफ 2 और नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2। अगर कोई भी नंबर 2 का मल्टीपल है देन इवन नंबर, इफ नॉट मल्टीपल ऑफ 2 देन ऑड नंबर्स। देन फाइनली फर्स्ट केस, इस प्रोग्राम में डिस्कस किया करना है डिस्प्ले ऑल इवन नंबर्स, ओनली इवन नंबर्स। सीरीज में मीन्स रिमूव किया करना है रिमेनिंग केसेस। फाइनली इस केस में सीरीज क्या बन रहा है, स्टार्टिंग के फर्स्ट सेशन में ही एक्सप्लेन किया था, अगर कोई भी प्रोग्राम सीरीज के फॉर्म में फ्रेम करना पॉसिबल है, किसी भी प्रॉब्लम को ईजिली सॉर्ट आउट करना पॉसिबल हुआ, इन दैट केस मीन्स जनरली इस केस में इवन और ऑड नंबर के लिए, इवन और ऑड नंबर्स के लिए आपको कोई स्पेशल इफ कंडीशंस भी लगाने की नीड नहीं, विदाउट इफ कंडीशन डायरेक्टली इंप्लीमेंट करना पॉसिबल है। दिस इज योर एक्सपेक्टेड आउटपुट। फर्स्ट वन वाइड मैन इज इटरेटिव वेरिएबल रिक्वायर्ड फॉर समथिंग आई और मे बी ए लाइक दैट। देन फॉर लूप मैनेज करें, जब भी आपको डेटा सीरीज के फॉर्म में डिस्प्ले कराना, अभी भी डेटा किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, फॉर्म ऑफ सम सीरीज। सीरीज क्या है, किस में वट इज द इनिशियल वैल्यू इन दैट सीरीज, 2। इसलिए आई के फोर लूप के अंदर आई का इनिशियलाइजेशन भी किससे कराएंगे, 4i = 2। नेक्स्ट वन कंडीशंस, लूप कहाँ तक चलाना, अप टू 100। उसके इसमें कंडीशन क्या है, मीन्स फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2, नेक्स्ट टाइम 4, नेक्स्ट टाइम 6, 8। ये सारे वैल्यू या तो 100 से छोटे या 100 के इक्वलेंट, इसलिए कंडीशन क्या यूज करेंगे इसके इसमें, i < 100। नेक्स्ट वन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एरिया, इस केस में सीरीज ग्रो कितने सिक्वेंस पर कर रहा है, कि डिफरेंस कितना क्रिएट हो रहा है, 2 और 4 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 का। 4 और 6 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 6 का। सेम है 6 और 8 के केस में डिफरेंस कितने का है, 2 का। ये सभी केस में एग्जैक्टली डिफरेंस कितने का क्रिएट हो रहा है, 2 का। तो इसलिए इंक्रीमेंट कितने से कराएंगे, प्लस ये डिफरेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में ग्रो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, 4 - 2 = 2, 6 - 4 = 2, मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर्स। इसलिए राइट डाउन क्या करेंगे, i = i + 2, सिंपल वे। देन एवरी टाइम i के केस में लूप से वैल्यू जनरेट होंगे, डिस्प्ले क्या करा लेंगे, वैल्यू ऑफ i, मीन्स सिंपली प्रिंट एफ डिस्प्लेइंग वैल्यू ऑफ i, % d के थ्रू डिस्प्ले क्या करा लेंगे, एवरी टाइम वैल्यू ऑफ i कंप्लीटेड। इस टाइप से गिवन लूप्स का यूज करके सिंपली इवन नंबर्स को डिस्प्ले कराना पॉसिबल फॉर अ गिवन रेंज। मीन्स सबसे पहले प्रोग्राम को प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, सबसे पहले जो भी आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट है और एक्सपेक्टेड कोड है, सबसे पहले राइट डाउन करो उसको, देन इसको इटरेट करें, मीन्स इससे एक्सपेक्टेड आउटपुट प्रोड्यूस होने के चांसेस है और नॉट। एक्सपेक्टेड आउटपुट अगर चेक करना सिंपली, इसके से जरूरी नहीं कि आपको लूप 100 टाइम चेक करना चाहिए, अगर आप आउटपुट चेक करना चाहते तो इसके से मैंने मैक्सिमम कंडीशन चेक करी लाइक 10। तो इसके से अगर
मैक्सिमम रेंज 10 है तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होना चाहिए, मीन्स 10 से छोटे इवन नंबर्स कितने हैं, 2, 4, 6, 8 एंड 10 इटसेल्फ, ये सारे नंबर्स कैसे इवन। अगर आप इस रेंज की चलाओ तो इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या डिस्प्ले होना चाहिए, दैट वन। चेक करते मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फर्स्ट वन मेन फंक्शन से स्टार्ट करें, सेकेंड प्रोवाइडिंग डिक्लेरेशन फॉर वेरिएबल आई, वेरिएबल आई के लिए डिक्लेरेशन प्रोवाइड होने के बाद इनिशियल वैल्यू क्या आएगा, गार्बेज। थर्ड केस में चांस किसको प्रोवाइड होगा, इनिशियलाइजेशन सेशन, डिस्प्लेइंग आउटपुट हियर। इनिशियलाइजेशन सेशन के अकॉर्डिंग आई का इनिशियलाइजेशन किस हो रहा है, 2 से। देन फोर्थ केस में क्या है, कंडीशन टेस्टिंग। कंडीशन के केस में आई के प्लेस पर आई का वैल्यू रिप्लेस कराएंगे, 2 <= 10, कंडीशन इज ट्रू। देन डिस्प्ले वैल्यू ऑफ 5। फोर का फिफ्थ सेकेंड्स क्या है, बॉडी एग्जीक्यूशन डिस्प्लेइंग आई, आई का वैल्यू 2 स्टोर, इसलिए प्रिंट एफ से प्रिंट भी क्या होगा, 2। नेक्स्ट वन i++, इस बार i में इंक्रीमेंट कितने से हो रहा है, 1 से या 2 से i का एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है, 2। 2 + 2 = 4, 4 इज असाइन टू द वेरिएबल i। मीन सिक्स्थ केस में परफॉर्म क्या हुआ, i में इंक्रीमेंट हुआ तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, 4। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ i इज़ 4। नेक्स्ट वन अगेन कंडीशन टेस्टिंग, 6 then 7, कंडीशन टेस्ट कराएं, कंडीशन में आई के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे, वैल्यू ऑफ आई विच इज 4। 4 < 10, कंडीशन अगेन 2। देन एट केस में चांस किसको प्रोवाइड हो, बॉडी के अकॉर्डिंग डिस्प्ले कराएंगे वैल्यू ऑफ आई, करेंटली आई में 4 स्टोर, इसलिए आउटपुट में क्या प्रिंट होगा, वैल्यू एज 4। नेक्स्ट टाइम अगेन कर्सर कहाँ सेंड होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन, 8th sequence as 9, i = i + 2, आई का वैल्यू क्या है, 4, 4 + 2 becomes 6, दिस इज द न्यू वैल्यू ऑफ आई। देन 10th केस कंडीशन टेस्टिंग, नेक्स्ट टाइम कंडीशन टेस्ट कराएंगे, आई का वैल्यू 6, इसलिए आई के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 6। 6 < 10, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है देन चांस किसको प्रोवाइड कराएंगे, बॉडी सेशन। बॉडी के केस में सिक्वेंस इज 11, डिस्प्लेइंग वैल्यू ऑफ आई, आई का वैल्यू क्या है इस केस में, 6, इसलिए आउटपुट में क्या प्रिंट कराएंगे, वैल्यू है 6। नेक्स्ट वन 12th केस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन, i = i + 2, 6 + 2 = 8। देन 13 केस में परफॉर्म क्या हुआ, इन कंडीशन टेस्टिंग, लेकिन कंडीशंस के केस में i का वैल्यू 8 सो रहा, इसलिए i के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे वैल्यू एज 8। अगेन कंडीशन इज ट्रू, ट्रू है देन बॉडी को चांस पार्ट, देन 13 का नेक्स्ट सिक्वेंस क्या है, 14, अगेन डिस्प्लेइंग वैल्यू ऑफ i, i वैल्यू इज 8, देयरफॉर 8 इज डिस्प्लेड। नेक्स्ट टाइम अगेन 15th केस i = i + 2, 8 + 2 becomes 10, कंडीशन टेस्टिंग, 16th कंडीशन टेस्ट कराएं तो i के प्लेस पर क्या पुट करोगे, करंट वैल्यू ऑफ i इज 10, 10 < 10 = 10, कंडीशन इज ट्रू, ट्रू है देन बॉडी एग्जीक्यूशन, बॉडी के अकॉर्डिंग i का वैल्यू 10 फाउंड हुआ, इसलिए डिस्प्ले भी क्या हुआ इस केस में, ऑल्सो 10। नेक्स्ट वन 18th केस i = i + 2, 10 + 2 becomes 12। देन 19 कंडीशन टेस्टिंग, कंडीशन में आई के प्लेस पर रिप्लेस कराएंगे करंट वैल्यू ऑफ आई विच इज 12 < 10 = 10, कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स है देन कर्सर सेंड होगा आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप विच इज सिक्वेंस नंबर 20। आउटपुट क्या डिस्प्ले हो रहा है इसके इसमें, 2, 4, 6, 8 एंड 10। अगर सेम केस में लूप 100 टाइम चला हुआ या 100 तक चलाओ देन 2 से लेकर 100 तक के ऑल इवन नंबर डिस्प्ले हो जाएंगे। सेम अगर इसको ऑड नंबर्स में कन्वर्ट करना है, ऑड नंबर्स में भी कन्वर्ट करने का सिंपल वे क्या हुआ इस केस में, जस्ट नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे इसको।